उपस्थित सभी मीडिया के भाई बहनों, सॉरी बहनों गलती से निकल गया, आप सबका तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि साहिब आलम की नहीं बल्कि हमारी खुद की घर की महफिल है, आप सबके घर की महफिल है। और ये जो गाने इन्होंने मेहनत से बनाए, साथ में भाभी भी खड़ी है, इन दोनों की खासियत है कि गाने अच्छे बनाता है और वो खाना अच्छा बनाती है, बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। और आप सब लोग जो अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं इस 11 गानों को आशीर्वाद देने के लिए, और यहाँ पर सब सबके सब बड़े आदरणीय है, पूजनीय है। और ये जो हमारी एंकर साहिबा है, इनके लिए मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छा एंकरिंग कर रही है और बहुत फेमस है ये, आज बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है। क्या नाम है आपका? सीमा, सॉरी माँ, इस नाम में सीमा है ना, इसलिए बच्चा बच्चा जानता है। और पल्लवी जो है, इसको मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही टैलेंटेड है, ऐसा इसका खुद का मानना है, पर अब हम भी मानने लगे हैं। बहुत अच्छा काम करती हैं, पल्लवी की फिल्म आ रही है। और सभी के लिए मैं बारी बारी कहता रहूँगा, मैंने आलम से कहा था कि मुझे ही एंकर रख लो, तो इन्होंने मुँह पे कहा कि हमको एंकर चाहिए भयंकर नहीं। तो आज ये सुंदर सुंदर चेहरों के साथ में काम शुरू हुआ है, गाने बहुत ही प्यारे बने, आप सबने सबको बारी बारी सुनाई देंगे ये गाने, और बहुत ही अच्छे गाने हैं। और आज वो मुबारक दिन आ गया है जिसको हम रिलीज़ करने जा रहे हैं, तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपने कीमती वक्त निकाला, इस गाने को आप जितना आशीर्वाद दे सके, क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से किसी भी कलाकार को स्टार बनाया जा सकता है। आज बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, अगर मैं गलत हूँ तो बताइए, सिवाय मीडिया के बड़ा नहीं बन सकता। आप तो मीडिया के लिए जोरदार तालियां, तेरे प्यार में वाह, तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, जिस दुकान का मालिक था उसी में पगार पे आ गया। और अभी जूनियर महमूद साहब मुझे मिले थे और कोने मुझे कहते थे, और क्या कर ले यार, हालांकि आवाज इनके भाई की निकल रही है, सुनील भाई उनका कसम माफ करो भाई, अभी भाईजान ने आपके लिए एक शेर बनाया भाई, आज करूँ क्या? कर दीजिए भाई, जो कोई भी नम्बू भाई ने बोला मेरा कोई कुछ नहीं भाई, एक दिन गुटका टूटा तुम्हारे मुंह पे, मुंह पे मत, अरे जमीन को मैं मुंह बोलता हूँ, शेर बोलता भाई, नम्बू भाई ने बोला, आज कर रहा हूँ कि ए दोस्त जहाँ तुझे कांटे मिले वहाँ फूल हो जाऊंगा, ए दोस्त जहाँ तुझे कांटे मिले वहाँ फूल हो जाऊंगा, और खुदा कसम भाई जहाँ तुझे चांटे मिले वहाँ गुल हो जाऊंगा। ये नमो भाई ऐसी हरकत कर सकते हैं। तो शेर शायरी का दौर चलता रहेगा, मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, जब भी अगला प्रोग्राम है मुझे बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग मेरे शेर शायरी में इतना खोए हुए, कितना टैलेंट मेरे अंदर भरा हुआ है, मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, पता नहीं किसने कूटा। 11 जो है हमारे हिंदुस्तान में बड़ा शगुन माना जाता है, चाहे वो जी 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 संगीत भी एक पूजा है, म्यूजिक भी पूजा है, तो अगर हम इसको पूजा भी से भी रिलेट करें या संगीत से भी रिलेट करें, तो मुझे लगता है 11 का आंकड़ा बहुत शगुन है, हमारी क्रिकेट की टीम भी 11 लोग ही होती है, तो मुझे लगता है कि ये जो 11 जो है ये 11 मुल्कों को बहुत पसंद आएगा, 11 मुल्कों के 111 111 111 कैसे